छतरपुर से खबर सामने आ रही है। एंटी माफिया अभियान के तहत छतरपुर पुलिस काफी तेज तर्रार रवैये में दिखाई दी। छतरपुर में पूरे दिन हड़कंप की स्थिति देखी गई। जैसे ही पुलिस का दल बल शहर में निकला तो कुंडों की हालत खराब हो गई। पुलिस द्वारा शहर के लगभग आधा सैकड़ा से अधिक अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के यहां जाकर तफ्तीश दी गई, उनकी जमीनें नापी गई और अनाउंस किया गया कि जो भी अपराध हैं वह सीमित रखे जाएं और इसके आगे अगर अपराध किए हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जाएगी। पूरे दिन शहर में चर्चा चलती रही कि पुलिस काफी सख्त रवैये में दिखाई दे रही है। जिस तरह से यूपी सरकार द्वारा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वहीं एमपी गवर्नमेंट भी अब काफी सख्त नजर आ रही है। डीएसपी शशांक जैन अपने दलबल के साथ शहर के अनेक स्थानों पर पहुंचे, साथ ही पुलिस कप्तान ने भी कई जगह पहुंचकर माफियाओं को सख्त हिदायत दी और कहा कि शहर में अपराध घटित नहीं होनी चाहिए, शहर में शांति व्यवस्था पुलिस को चाहिए है। सिटी न्यूज़ 18 के लिए साहिल खान की रिपोर्ट। ये छतरपुर पुलिस द्वारा पूरे शहर में जो गुंडा तत्व हैं, जिनकी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कब्जे को लेके, गुंडागर्दी को लेके, अतिक्रमण को लेके, उनके विरुद्ध ये संयुक्त कार्रवाई है छतरपुर पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की। ये हमने लगभग ऐसे 50 से 60 लोगों को चिन्हित किया है जिनके विरुद्ध लगातार शिकायतें प्राप्त होती हैं। उसमें से आज हमने लगभग 8 से 10 स्थानों पर सीमांकन, उनके अतिक्रमणों की जानकारी, उनकी प्रॉपर्टी की जानकारी निकलवाई है। चेतावनी भी दी जा रही है क्या है? जी, ये चेतावनी के रूप में भी ये कार्रवाई है कि आगे से इस प्रकार की अगर कोई गतिविधि ये करते हैं, अन्य कोई शिकायत इनके विरुद्ध प्राप्त होगी तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।